उसमें बताया था इलेक्ट्रिक सेल होता है आपका, ये टॉर्च वाला घड़ी वाला, इसमें क्या होता है, पहले कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो कन्वर्ट हम किस में कर लेते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सेल को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और मैंने एक तरीका भी बताया था, आप उल्टे चलते जाओ, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्लियर। तो सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज इट क्लियर। और एक हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं बेटा, कि पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड करने पर आपके कैथोड एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, जिसका एग्जांपल आपके इन्वर्टर की बैटरी में, जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होती है उसका एग्जाम्पल आपका वहाँ वो, इज इट क्लियर। तो हमने बेसिकली कल आपको ये बेसिक टर्म सिखाए थे और कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, उसके टाइप, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक भाई ये चीजें लगती कहाँ है, इलेक्ट्रिक सेल पर, इलेक्ट्रिक सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है नी, उसके टाइप क्या होते हैं। हाँ मैंने तो ये आपको जब तक बेसिक फिनोमिना नहीं पता होगा, एलिमेंट्री आइडिया नहीं पता होगा बेटा, तब तक आप इन चीजों को, टर्म को कैसे समझेंगे। तो ये सब आपके सिलेबस में है इस बार, मतलब पहले भी थी वो, है ना, अभी भी हैं, लेकिन इस पे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, आएंगे भी, आते भी हैं। हाँ बस एक चीज जो रिड्यूस हुई है अब तक के उसमें, कि जो हमारे टाइप ऑफ केमिकल सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनकी वर्किंग आपके उसमें नहीं है, ठीक है नहीं, उनकी वर्किंग अब आपके रिड्यूस कर दी गई है, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें। और उसके टाइप्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स भी होते हैं, है ना, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह, तो ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए, इज इट क्लियर। तो वो वर्किंग मैं अभी ले भी नहीं रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। चलो अब आप, और आपसे भी कहूंगा आप भी बुक्स में पढ़ के, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग है बेटा वो थोड़ा डेप्थ रखती है, तो अगर आप अभी उसको पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज भी हो गए, ठीक है नहीं। तो जब आपके पास आज इस बार वैसे भी साल टाइम कम है, और जिस हिसाब से सिलेबस कहीं कहीं तो सिलेबस इस टाइप से रिड्यूस हुआ है कि वो हमें पढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि हाँ वो इस टाइप से रिड्यूस हुए हैं कि उन्हें पढ़ा के हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और थोड़े कन्फ्यूजन भी बचा सकते हैं। उन्हीं में से ये इलेक्ट्रोकेमिकल इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हटे हैं वो प्रॉपर रिड्यूस हुए हैं, कि जो थोड़ा डेप्थ रखते थे, कंफ्यूजिंग थे, ठीक है नहीं, और रटने वाले भी ज़्यादा थे, और उसमें बार बार रटो बोलो, जैसे आगे आपके कमर्शियल बैटरीज आएंगे, कमर्शियल सेल्स आएंगे जिनको बैटरीज बोलते हैं, उसमें फ्यूल सेल आएंगे, आपके प्राइमरी सेकेंडरी सेल आएंगे, ठीक है नहीं बेटा, करोजन वगैरह, ये सब उन्होंने क्या करा है, रिड्यूस कर दिया। चलो बेटा, तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे वर्ड्स, इसकी अगर मैं सिंपल वर्ड्स बताऊं, पोटेंशियल आप याद हो, आपको प्लस वन में भी वर्ड यूज में आया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आप याद करिए, आईपी जिसको बोलते थे, पीरियोडिक टेबल में आप ट्रेन, जनरल ट्रेन जो अपॉन अप टू डाउन इन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आप उसमें पढ़ते थे, याद करिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रॉन एक पढ़ते थे आप, इलेक्ट्रॉन गेन इन थैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद आया, और एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको याद हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कि किसी भी एटम की लास्ट शेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन के लॉस करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, समझे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, याद करिए, मैं यहीं पर शॉर्ट में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है आईपी उसका डायग्राम भी बना देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ कि कोई भी एटम है उसकी लास्ट शेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to lose a single electron from the last shell of any atom, that is called ionization potential, याद आया। तो वो देखो, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऐसे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या याद करो, वो इसका उल्टा है, कि किसी भी एटम की लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, the amount of energy which is released to gain a single electron in the last shell of any atom, that is electron gain enthalpy, is that clear? तो ये हमारे पास बेटा हुआ इस तरीके। तो हम मेन अभी आईपी पे फोकस होते हैं, क्योंकि उसी से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की चीजें मैच कर जाएंगी। तो आप देखो, यहाँ पर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बेटा गेन हो रही है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में लास्ट शेल से, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो हमने क्या बोला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयन फॉर्मेशन होता है, ठीक है नहीं, आयोनाइजेशन हुआ। तो
पोटेंशियल का मीनिंग कहाँ रिलेट कर रहा है आपके आग पे, देखिए एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आगे पॉइंट समझ में। और वर्क पावर एनर्जी वगैरह आप पढ़े हो फिजिक्स वगैरह में, डायमेंशन याद करिए तो पोटेंशियल की, एनर्जी की, ठीक है, इन सब की जो आई थिंक डायमेंशन होते हैं बेटा वो भी शायद इक्वली आते हैं। तो हमारे पास वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब आप सोचो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सेल होता है बेटा, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक, इसमें एक मान लीजिए आपकी मेटल की रॉड है ना, एक दूसरी मेटल की रॉड है, एक कैथोड का काम कर रही है, एक बेटा एनोड का काम कर रही है, ठीक। तो कैथोड एनोड में मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं, कोई भी बेटा पहले जब तक ये चीजें नहीं होंगी जब तक तो ये न्यूट्रल मेटल है, इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम है, इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स है, क्लियर, लेकिन है तो न्यूट्रल, क्लियर पॉइंट। जब तक या तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इन पे चार्ज डेवलप होगा है ना, या हम बैटरी के थ्रू इन पे चार्ज डेवलप करें तो नीचे केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है नहीं। तो जब ये न्यूट्रल मेटल की रॉड चार्ज हो जाती हैं तभी तो बेटा ये आपके कैथोड और एनोड कहलाते हैं। चार्ज कहते होती है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो आप जानते हो पहले से, कोई भी चीज है ना, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे वो मेटल की रॉड हो, मापा मेटल की रॉड भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से एटम से मिलकर बनी है ना। तो जब कोई भी एटम या मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, आगे समझ में, और वो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो दूसरी वाली रॉड, तो मतलब कहने का जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है किसी भी मेटल की रॉड पर, मेटल की रॉड को हम इलेक्ट्रिक सेल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन करने पर ही तो होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही होता है किसी भी सेल में, मतलब मेटल की रॉड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, अगर मैं सीधा बोलूं जो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मीनिंग कहां से निकलेगा, पावर, और पावर मतलब एनर्जी है ना। तो कहीं पे हम पोटेंशियल को एनर्जी से रिलेट कर देते हैं बेटा, और कहीं पर हम पोटेंशियल को पावर से रिलेट कर देते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो पावर है, लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करने की जो पावर है, या आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज है ना, गेन जो नेगेटिव चार्ज होने की जो पावर है बेटा, उसको, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, आ गया। अगर मैं इतने सिंपल वर्ड्स में कह सकता, अगर इसको लूं तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि किसी भी मेटल की रॉड की जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही है उसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके चार्ज होने की जो पावर, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो चार्ज होने की पावर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बेटा। चलो इसको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ जो आपके लिए जरूरी भी है आगे की चीजों को समझने के लिए, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, यहाँ तो कोई मुझे लगता नहीं है इश्यू आया होगा अब तक, ठीक है नहीं। लेकिन अब जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेता हूँ इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है, क्योंकि बेटा मेन चीज हमारी यही है, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो ये चीजें आराम से समझ में आ सकती है। अगर लेकिन अगर, और ये ज्यादा डेफिनेशन इनकी बहुत आसान है, आप बुक में पढ़ोगे बहुत आसान है। अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कि ऑक्सीडेशन आप जानते हो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी मेटल की रॉड जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखती है ना, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, आपकी बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगी वो, फिर क्लियर, ठीक है। और किसी भी मेटल की रॉड जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है उसकी गेन करने की जो पावर है ना, वो हमारी क्या कहलाएगी, आपकी रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगी। तो डेफिनेशन तो बहुत आसान है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंट्राडक्टरी आता है, तो वही देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है नहीं। और उसकी जो एक मॉडर्न और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो थोड़ी सी इनसे डिफर है। ये तो आसान सी है, किसी भी मेटल की रॉड की इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करके चार्ज होने की जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लॉस करके है ना जो चार्ज होने की पावर है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो चार्ज होने की पावर है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो बहुत आसान है, ये ओवरऑल एक रिजल्टेंट बनाया गया, लेकिन जो इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो देखो, जैसे याद करो कंडक्टिविटी में आया था कि एक डेफिनेशन सिंपल सी थी रेसिस्टिविटी की, जो आप रेसिप्रोकल होती है, दैट इज कंडक्टिविटी की, मतलब सॉरी रेसिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल है, दैट इज कंडक्टिविटी, मतलब 1/ρ, बहुत सिंपल था, ठीक। लेकिन उसकी कॉन्सेप्चुअल क्या थी, कि भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमारे पास 1 cm का वॉल्यूम में जो आइंस हैं, और उन आइंस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली जो कंडक्टेंस है, दैट इज कंडक्टिविटी, वो कॉन्सेप्चुअल हो गई। ऐसे देखो यहाँ भी है बेटा, तो देखो मैं ये जो डबल सेल है इसको हम सिंगल सेल करके भी बना रहे हैं, कि ये बनाया भी जाता है बेटा, इसको आगे से कंप्लीट सेल होता है ना, इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है, कि बेटा हमारे पास है ना, जैसे ये दो अलग अलग वेसल लिए, ये अभी अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बुक में वर्किंग देखोगे या सेल देखोगे, तो वहां पे बुक में यही दो
डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम दिखाए गए, ठीक है नहीं। तो वो किस टाइप से है, मतलब सिंपल सा है कि आप जैसे कोई भी मेटल की रॉड ली और उसका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ आपने कॉपर की रॉड ले ली, मैंने ज़ूम कर लिया है ना, आप जिंक की ले लो कॉपर की ले लो, तो हमारे पास क्या मतलब कॉपर की रॉड ली तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो भी किसका है, कॉपर सल्फेट का। मान लीजिए ये आपने आयरन की ली, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन भी किसका है, Fe(SO4), मतलब Fe2+ और SO4(2-), ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन भी किसका हो गया, Fe2+ और SO4(2-), मतलब यहाँ सॉल्यूशन Fe(SO4) का हो गया, यहाँ सॉल्यूशन आपके पास है ना कॉपर सल्फेट का हो गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास एक दो सॉल्यूशन होते हैं, है ना। फिर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे बेटा, एक ब्रिज लेते हैं ना, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, इसमें भी सॉल्ट भरे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है इसके थ्रू, और इसको हमने वही वाली बात, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो हम इसको क्या करेंगे, है ना, यहाँ तो केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होगी तो यहाँ हम एक बल्ब ले लेंगे, पर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो हम इसमें क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पर एक बैटरी का यूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो। तो आप देखो एक्चुअली ये क्या हुआ है, यहाँ पर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एक ही साथ एक ही वेसल में एक ही इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, मान लो ये सेम, मान लो कॉपर की रॉड है, ये आपकी आयरन की रॉड है, लेकिन यहाँ पे मान लो या तो कॉपर सल्फेट होगा, या हमारे पास क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट के अलावा मतलब या तो Fe(SO4) होगा, क्योंकि मेटल जो होती है उन्हीं से रिलेटेड सॉल्यूशन लेते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक मेटल के तो सिमिलर हो गया, दूसरे मेटल के सॉल्यूशन डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में, ठीक है नहीं, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया गया। तो ये क्या करा, अलग अलग वेसल ले लिए, इसको फिर ये कंप्लीट सेल था, इसको हाफ सेल बोला गया, ठीक है नहीं, इसको क्या बोला गया आपका, हाफ सेल, और ये भी आपको क्या बोला गया, हाफ सेल। बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में है, दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में है, ठीक है नहीं। जैसे कॉपर की मेटल की रॉट है तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, आयरन के यहाँ पे भी क्या होगा, एक एनोड का काम करेगी, एक मेटल की रॉट किसका काम करेगी बेटा, एनोड का काम करेगी, और दूसरे मेटल की रॉड है ना कैथोड का काम करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ही हमारे पास है, तो ये सेम जो इलेक्ट्रोड है उसी से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन, जो मेटल की रॉड उसी से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो आप देखो ये मैं उसकी वर्किंग पे नहीं जा रहा, लेकिन मुझे जो बेसिकली समझाना है, चलिए मैं अब यहीं पर समझा देता हूँ। तो हमारे पास क्या था, जब मैं एक सेल को लेकर समझाता हूँ बेटा, कि मान लो ये कॉपर की रॉड है बेटा, और ये एक इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, दूसरा इलेक्ट्रोड वेसल भी हो सकता है, समझे ना। हमने क्या करा, एक मान लो एक ये लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया, ये इसको कनेक्ट कर दिया इससे, तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, ये तो सेल का काम, मान लो मेटल जो वेसल की मेटल है वो भी एक मेटल की मेटल है, तो वो बन सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तो कॉपर आयन भी होगा और हमारे पास क्या होगा, सल्फेट आयन भी होगा। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे के मेटल की रॉड में क्या है, कॉपर के बहुत सारे एटम, हाँ जी बच्चों, तो इस तरीके से कॉपर की इस रॉड में बिठा बहुत सारे कॉपर के क्या होंगे, एटम होंगे। इज इट क्लियर? चलो अब देखो इनके बीच की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, और इस केमिकल रिएक्शंस देखने के लिए हमें यहाँ की इसकी कोई जरूरत नहीं है, कि अगर हम इसको हटा भी दें, चाहे यहाँ पर बिटा इलेक्ट्रिक बल्ब लग रहा हो, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, हमें तो बेसिकली इस कॉपर की रॉड और इसमें जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इनके बीच के रिएक्शंस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप देखो बेटा क्या होता है, ये कॉपर के जो एटम्स हैं और ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन है। ठीक है, देखो जो कॉपर की रॉड पे काम होगा वो क्या होगा, कि कॉपर की रॉड बेटा टू इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर, देखो ये जो चार्ज है ये तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला माइनस क्या शो कर रहा है, कि इस कॉपर के एटम्स ने क्या करा बेटा, कॉपर के एटम्स ने टू इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये किस स्टेज में पहुंच जाएंगे, है ना, कॉपर 2+। ठीक है, आप याद करो मैंने रेडॉक्स वगैरह में चीजें या कहीं प्लस वन में आया होगा तो आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन की आगे का वाला साइन जो बुक में आपको कभी भी बेटा देखो ये माइनस में नहीं मिलेगा, इसको हम मैथमेटिकली क्या करें, इधर की तरफ ले गए तो ये क्या बन गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, मतलब अभी हम इस कॉपर की रॉड पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या केमिकल चेंज आ रहा है ना, कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आ रहा है, तो कॉपर के एटम अपने को, कॉपर क्या है, मेटल है, उसका काम उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करने लगा बेटा, वो 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर पॉइंट? अब ये -2 इलेक्ट्रॉन जो है इनको हम इधर, ये वाला देखो ये तो रहेगा, ये तो चार्ज इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो माइनस है ये कभी माइनस नहीं लिखते, तो हम इसको इस साइड लेकर तो ये प्लस में बन गए। इज दैट क्लियर? तो एक रिएक्शन जो बेटा हमारी ये होगी। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ के जो कॉपर एटम थे तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। क्लियर?
और यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये क्या हुआ, ये सॉल्यूशन, ये एटम तो कहाँ आ गए, सॉल्यूशन में कॉपर आयन की तरह आ गए, कॉपर टू प्लस की तरह, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं अकोमोडेट हो गया। मतलब कहने का कि कॉपर की रॉड के जो कॉपर एटम होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो लॉस करने पर कॉपर आयन तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और जो कॉपर आयन बना कैसे कि कॉपर एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्लियर है पॉइंट? तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन उसी मेटल पे अकुमुलेट हो जाएंगे, क्लियर? अब आप बताओगे किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन अकुमुलेट होंगे तो वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज प्रॉपर्टी शो करेगी नहीं, तो ये रॉड जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज प्रॉपर्टी में शो करने लगती है, मतलब नेगेटिव चार्ज शो करने लगती है। अब देखो दूसरी रिएक्शन कैसे चालू होगी, तो एक एक टाइप हो गया रॉड पे, मतलब इलेक्ट्रोड पे क्या काम हो रहा है कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो पहले न्यूट्रल था और उसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और कॉपर एटम कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में मिक्स हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसी रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए रॉड पर तो वो क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गई। समझ में आया यहां तक का एक काम? अब देखो सेकेंड काम क्या होगा, ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अब ये जो कॉपर आयन है चाहे वो इधर से आए हो या सोल्यूशन में प्रेजेंट पहले वाले हो, अब ये मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, और कॉपर आयन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ के एटम निकल के इधर आ गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे अकोमोडेट होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा। क्लियर? ये रॉड होती है तो सारे एटम बेटा एक साथ नहीं चलते ना, कि सारे के सारे एटम ने एक साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और सारे के सारे आयन बन के गए तो पूरी रॉड ही गायब हो जाए, वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा लेकिन एकदम तो नहीं होता ना, तो उसी के द्वारा लूज करे हुए इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया बेटा, अकोमोडेट हुए, जिसकी वजह से वो रॉड किसका कैसे नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर? अब आओ बेटा, अब इस नेगेटिव चार्ज, अब ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है बेटा, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होंगे, पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे, तो ये जो कॉपर आयन है बेटा ये किसकी तरफ जाएंगे, है ना, ये मूव करेंगे किसकी तरफ, मेटल की रॉड पे, और वहां क्या काम करेंगे, तो अब देखो ये काम हो गया सोल्यूशन पे, तो अगर मैं कहूं बेटा ये कहां है, तो ये हमारी चीज है, ये रिएक्शन हो रही है बेटा किस पे हमारी, ये है रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, ये क्या है, रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड है बेटा। अब आओ रिएक्शन ऑन इन सॉल्यूशन, जो सेकंड टाइप है वो क्या है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, वो देखो क्या है बेटा कि जो कॉपर आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, है ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहां क्या करेंगे उनसे इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर आयन का एक डिपोजिशन चालू होगा। तो आपको दो रिएक्शन समझ में आई, क्या हुई कि एक तो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हुई कि कॉपर के इलेक्ट्रोड में जो कॉपर के एटम्स हैं वो कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अब देखो अगर रॉड मान लो कॉपर की है तो भी इलेक्ट्रॉन, मान लो आपने रॉड जिंक की बनाई तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, आपने रॉड आयरन की बनाई तो आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, और आयरन आयन जो बनेंगे वो सोल्यूशन में चले जाएंगे और रॉड कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, सारी मेटल्स के लिए यही कहानी है। तो एक रिएक्शन तो इलेक्ट्रोड पे हुई, क्या रिएक्शन हुई कि मेटल कितनी जल्दी, और आप जानते हो हर मेटल की अपनी जो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई जल्दी लॉस करते हैं कोई देर में लॉस करते हैं, क्लियर है पॉइंट? तो अब आप देखो उसी डेफिनेशन को रिलेट करो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो पावर होती है, आगे पॉइंट समझ में, तो आप रिलेट कर गए ये चीज, क्लियर? अब आओ दूसरी बात, दूसरा हमने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता होती है ना, या आयन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को, तो देखो ये क्या है, अब मान लो कभी कॉपर की रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, एक जिंक की रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, एक आयरन की रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज तो वही नेगेटिव है लेकिन मेटल की जो पावर, आपको याद करो हमने प्लस वन में आपका केमिकल बॉन्डिंग में आता है पोलराइजिंग पावर ऑफ एन आयन, पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन, वहां ये डिफरेंस आता है, तो बेटा कौन सी रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को जल्दी खींचेगी, पॉइंट आ गया, तो कितनी जल्दी ये कॉपर आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएंगे और यहां जब पहुंचेंगे तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस कॉपर आयन को देंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां दो बातें आ गई, एक जो पोटेंशियल है बेटा वो किस बात का है कि मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, मतलब इलेक्ट्रोड जो है कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रोड के एटम्स कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं, समझ में आ गया, क्लियर? तो ये एक तरह का पोटेंशियल ये हुआ, और दूसरी तरह का पोटेंशियल क्या है, कितनी जल्दी सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कितनी जल्दी, है ना, अपोज, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है सॉल्यूशन में, अपोजिटली चार्ज जो आयन है, मतलब दूसरी एक दूसरी पॉइंट समझ, दूसरा पोटेंशियल कौन सा है कि जो नेगेटिवली चार्ज रॉड बनी है इलेक्ट्रोड बना, ये कितनी तेजी से कितनी जल्दी से, है ना, ये अपोजिटली चार्ज आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो एक पोटेंशियल यहां पर डेवलप हुआ।
इन दोनों का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है बेटा, यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लो इसकी लॉस करने की क्षमता और इसी इसी मेटल की रॉड की, बेटा यहाँ कोई दूसरा तो आया नहीं है भाई, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तब ये नेगेटिवली चार्ज बना, तो कितनी जल्दी ये नेगेटिवली चार्ज रॉड बनी, एक पोटेंशियल तो ये हुआ। और दूसरे, जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड बनी तो कितनी जल्दी ये इस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, जरूरी है ये दोनों बराबर हो, शायद थोड़े से डिफरेंस भी हो सकता है, समझाया। तो इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही इस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझाया नहीं, क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही एक काम मान लो इसमें होगा, इसमें मान लो लॉस करने वाला काम हुआ तो इसमें उल्टा काम होगा। जैसे यहां स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, नेगेटिवली चार्ज बने, तो यहां पर क्या होगा, इस मेटल के इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, समझे, और वहां पे उल्टी पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो वो समझे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया, क्योंकि अब तक तो लेकिन एक्चुअली बेटा वहां पे, इसीलिए मैंने शुरुआती समय में बता दिया था, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जो आयन बने वो तो यहां चलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा वो इन्हीं रॉड पे क्या हो गया, एक्युमुलेट हो गया, उस वजह से ये नहीं। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और एनोड होता भी पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग में भी कंफ्यूजन रहता है, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्लियर हुआ बेटा, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, किसी भी मेटल की जो रॉड है बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके है ना, चार्ज को ऑक्यूपाई करने की जो पावर है, पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल तो ये होता है, दूसरा क्या होता है, जब वो चार्ज होगी, इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया तो वो कितनी जल्दी सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर दिखा रहा है बेटा, एक वो पोटेंशियल। इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो इस रॉड का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और इस तरीके से बेटा यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अगर हम इस सॉल्यूशन को एक फिक्स करें कि ये हम सॉल्यूशन क्या लें बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन लें, और टेम्परेचर भी फिक्स करते हैं, जो एसटीपी का टेम्परेचर होता है आपका 298 केल्विन, आगे समझ में। तो अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब 298 केल्विन पर है ना, अगर यही काम, ये पूरी रिएक्शन जो हम चेक कर रहे हैं, अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर पर करें और फिक्स कंसेंट्रेशन पर, समझना है, मतलब कॉपर की रॉड लें है ना, और उसको हम क्या करें बेटा, एक 1 मोलर का एक्वा सॉल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का, और तब हम ये चीज मेजर करें, तो यही चीज इस कॉपर के इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ऐसे करके आप बेटा डिफरेंट डिफरेंट मेटल का, जैसे आयरन का लिया और आयरन का आपने कोई एक्वा सॉल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, आपने जिंक लिया जिंक का ले लिया है ना, तो उस टाइम जिंक इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके खुद अपनी रॉड को नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल, और जिंक आयन कितनी जल्दी उस नेगेटिव चार्ज की तरफ, रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो पोटेंशियल। इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्या होना चाहिए, जो जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसकी कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर, और टेम्परेचर आपका है ना वही एसटीपी के अकॉर्डिंग 298 केल्विन। समझ में आ गया, तो आपको ये चीज समझ में आई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। अब देखो जैसे इसमें क्या, ये मेटल की लॉड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो उस पे, इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अभी मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस में करके पहले क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती, समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। तो वो हमारी क्या कहलाएगा उस टाइम पे वो, और ये नेगेटिव चार्ज होने की जगह क्या होगा, वो पॉजिटिव उस पे, उस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज डेवलप होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन, तब ये हाफ शेल क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन हाफ शेल कहलाएगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा है ना। आप जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बेटा है ना, लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नेगेटिवली चार्ज हुआ, मतलब ये सेम पोजीशन मैंने यहाँ की बताई है, तो ये हाफ शेल क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हाफ शेल। और देखो यहाँ पर क्या है, ये मेटल के जो आइटम है, जैसे इसने तो लॉस किया, सेम ही वाला प्रोसेस यहाँ हुआ, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बेटा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन कर रहा है बेटा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, ठीक है नहीं, और इस पे एक लेयरिंग जो जमेगी वो कैसे जमेगी, पॉजिटिव चार्ज की अपोजिट, समझ में आ गया नहीं भाई। देखो वो कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है कि डेफिशिएंट होता है, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो वो पुराना डेफिशिएंसी वाला चार्ज यहाँ पे दिखाया गया, क्लियर। तो ये हमारी ये वाली रॉड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो ये वाला हाफ शेल क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ शेल, और इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन समझ लो, अगर ऑक्सीडेशन आ गया तो उसका अपोजिट इस पे कर देना, ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिंपल तरीके से ही बताया, उसके कॉन्सेप्चुअल भी बताए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। और स्टैंडर्ड क्या होता है वो समझ में आया, किसी भी मेटल की रॉड और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलर का और 298 केल्विन पर जब हम ये मेजरमेंट करते हैं तो ये चीज क्या, उस टाइम जो दोनों का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है, मतलब मेटल की रॉड का इलेक्ट्रॉन को लॉस करके चार्ज होना और चार्ज उस इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन में से अपोजिट आयन को अपनी ओर खींचने का पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे करा जाता है तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरीके से हम किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना मेजर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर। चलो बेटा, तो अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल है ये नेक्स्ट उसमें करेंगे। ओके, थैंक यू।